बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां के हालात बिगड़ गए हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। दो महीने से चल रहे छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप लिया तो पूरा देश हिल गया। बांग्लादेश की सेना ने अस्थायी रूप से देश की कमान संभाली है। लेकिन यहां नई सरकार बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में एक अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग भी उठ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विरोध कर रहे छात्रों की पसंद मोहम्मद यूनुस है। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में जल्द ही नई सत्ता की कमान आ सकती है। मोहम्मद यूनुस एक सोशल वर्कर, एक बैंकर और एक इकोनॉमिस्ट है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी भी रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को दुनिया का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यूनुस को यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया जा चुका है। ।2007 में मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। ।2012 में उन्हें स्कॉटलैंड के ग्लासगो कैडोनियन यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया था। मोहम्मद यूनुस पर $20 लाख के गबन का भी आरोप लगा है। मोहम्मद यूनुस और उनके 13 अन्य साथियों पर $2 मिलियन गबन करने का आरोप है। हालांकि 83 वर्षीय यूनुस ने इन सभी आरोपों को हमेशा से गलत बताया है।